नमस्कार दोस्तों हर्षि द्विवेदी एजुकेशन में आपका स्वागत है मेरा नाम है विनीत सागर वेस्ट अफ्रीकन कंट्री इक्वेटोरियल गिनी में मारबुर्क वायरस की वजह से नौ लोगों का डेथ हो चुका है दोस्तों आज इस वीडियो में मारबुर्क वायरस से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स हम डिस्कस करें सबसे पहले इक्वेटोरियल गिनी के बारे में कुछ बेसिक डिटेल्स इक्वेटोरियल गिनी फॉर्मर स्पेनिश कॉलोनी है इक्वेटर के पास लोकेट होने की वजह से इक्वेटोरियल गिनी को यह नाम मिला है वैसे आपको ध्यान रखना है इक्वेटर इक्वेटोरियल गिनी के थ्रू पास नहीं होते है इधर आपको इक्वेटर दिख रहा है दोस्तों जीरो डिग्री लैटिट्यूड इक्वेटर का नॉर्थ हेन साइड में इक्वेटोरियल गिनी का लोकेशन है दो देशों के साथ इक्वेटोरियल गिनी अपना बॉर्डर्स शेयर करता है नॉर्थ हेन साइड में कैमरून साउथ साइड में ग्यापोड इक्वेटोरियल गिनी एक्चुअली टू पार्ट है वन इज मेन लैंड दैट इज रियो मुनी सेकेंड इज आइलैंड पार्ट दैट इज बायोको इक्वेटोरियल गिनी का कैपिटल मैलाबो बायोको आइलैंड में लोकेटेड है और ये जो रीजन है दोस्तों दिस इज ए गल्फ गल्फ ऑफ गिनी तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने ये कंफर्म किया है इक्वेटोरियल गिनी में फर्स्ट एवर आउटब्रेक ऑफ मारबुर्क डिजीज हुआ है जिसकी वजह से नौ लोगों का डेथ हो चुका है एंड इट इज कॉज्ड बाय एबोला लाइक मारबुर्क वायरस सो बेसिकली मारबुर्क वायरस डिजीज या फिर एमवीडी इज कॉज्ड बाई मारबुर्क वायरस विच इज ऑफन फैटल बेसिकली मारबुर्क वायरस डिजीज का फैटैलिटी रेट बहुत ज्यादा है 88 एट परसेंटेज तक इस डिसीज का फैटाल्टी है बट एर् ट्रीटमेंट एंड गुड पेशेंट केयर से फैटाली रेट जो है नीचे ला सकता है यह वायरस पहली बार आइडेंटिफाई हुआ था 1967 में जब साइमियस आउटब्रेक्स हुआ था जर्मन सिटीज ऑफ मारबुर्क एंड फ्रेंकफूर्ट में अब आपको समझ में आ गया होगा मारबुर्क वायरस डिसीज का नाम कहां से आया इसके अलावा युगोस्लावियन कैपिटल बेलग्रेड में भी आउटब्रेक हुआ था ये 1967 की बात है अब सबको मालूम है आज की डेट में युगोस्लाविया नाम का एक कंट्री नहीं है वो ऑलरेडी सिक्स कंट्रीज में डिवाइड हो चुका है वैसे मारबुर्ग वायरस एंड एबोला वायरस के बीच में काफी सिमिलारिटीज है दोनों बिलोंग करते हैं फिलोविर्डे फैमिली से बेसिकली दे आर वायरसेस दो कोस्ट बाई डिफरेंट वायरसेस द टू डिसीजे आर सिमिलर तो बेसिकली एबोला डिसीज एंड मारबुर्ग डिसीज दोनों सेम है पर दोनों अलग अलग वायरसेस की वजह से होते हैं वो दोनों वायरसेस एक ही फैमिली से बिलोंग करते हैं दैट इज फिलोविडेबोला वायरस की तरह मारबुर्क वायरस भी बैट्स में ओरिजिनेट होता है हाईली इंफेक्शस है लोगों के बीच में ट्रांसमिट होता है क्लोज कॉन्टैक्ट की वजह से बेसिकली बॉडली फ्लूइड्स का अगर कॉन्टैक्ट हुआ या फिर इंफेक्टेड पर्सन कहीं पे टच किया उधर आपने अगर टच किया अगर आपने कंटेबिनेटेड बेडशीट्स या क्लोथ्स को शेयर किया ये सब की वजह से ये वायरस ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिट हो सकता है एंड इन्फेक्शन हैज ऑल्सो बी नोन टू ऑकर थ्रू क्लोज कॉन्टैक्ट बिटवीन हेल्थ केयर वर्कर्स एंड पेशेंट्स तो देखिए दोस्तों पेशेंट्स को ट्रीट करने के लिए जो हेल्थ केयर वर्कर्स आता है और भी सी बात है उन्हें क्लोज कॉन्टैक्ट तो करना पड़ेगा उस वजह से भी एक्चुअली इन्फेक्शन हुआ है मेरा कहने का मतलब है बॉडली फ्लूइड्स का ट्रांसमिशन कोई जरूरी नहीं है अगर क्लोज कॉन्टैक्ट है तभी डिसीज ट्रांसमिट होने का चांसेस सो बेसिक सिम्टम्स क्या क्या है वन इज हेमरेज हेमरेज मतलब क्या है इंटरनल ब्लीडिंग बेसिकली ब्लड वेसल्स ब्रेक होने के बाद जो ब्लीडिंग होता है उसे हेमरेज बोलते हैं फिर फीवर डायरिया वोमिटिंग एक्सेट्रा डिसीज की शुरुआत हाई फीवर से होते हैं फिर सिवियर हेड होगा फिर डायरिया होगा फिर अपडोमिनल क्रैम्स एंड देन वोमिटिंग वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से मेनी पेशेंट्स डेवलप सिवियर हैमरेजिक मैनिफेस्टेशन बिटवीन फाइव एंड सेवन डेज तो बेसिकली इंफेक्शन के बाद सात दिन के अंदर हेमरेज होने का चांसेस बहुत ज्यादा है नो जैसे मैंने आपको पहले बोला मार्बर वायरस का जो ओरिजिन है इट इज ऑल्सो फ्रॉम बैट्स नौ कौन सा बैट है रोसेटस करके एक बैट है दोस्तों इट इज ए जेनस ऑफ ओल्ड वर्ल्ड फ्रूट बैट्स और मेगा बैट्स दे आर समाइम्स रेफर टू अस डॉग फेस्ड फ्रूट बैट्स और फ्लाइंग फोक्स ठीक है तो ये जो रोसेटस का बैट कॉलोनीज आपको देखने को मिलेगा माइंस में एंड केव्स में कॉलोनीज मतलब क्या होता है ग्रुप ऑफ बैट्स जो है उसे कॉलोनीज बोलते हैं तो जो लोग ये माइंस एंड केव्स में काम करने जाते हैं ना जब उनका एक्सपोजर होता है इन बैट कॉलोनी से तब वो इन्फेक्ट होता है एक बार इन्फेक्ट होने के बाद ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन हो जाता है यह बात मैंने आपको बता दिया नाउ मैंने आपको बोला था मार्बुर्ग वायरस डिसीज का जो फैटालिटी रेट है वो करीब एटी परसेंटेज है बट अगर एर्ली डायग्नोसिस करेंगे एर्ली ट्रीटमेंट शुरू करेंगे तो फैटालिटी रेट नीचे ला सकता है बट द प्रॉब्लम इज डायग्नोसिस इज डिफिकल्ट क्योंकि देखिए दोस्तों मारबुर्क वायरस डिसीज के जो सिम्टम्स हैं दे आर वेरी सिमिलर टू दो मलेरिया एंड टाइफॉइड फीवर मेकिंग ए डायग्नोसिस डिफिकल्ट सबसे पहले प्रॉपरली डायग्नोस करना बहुत जरूरी है तब जाके आप प्रॉपर ट्रीटमेंट शुरू कर पाओगे अब ये जो मारबुर्क वायरस डिसीज है इसका डायग्नोसिस ही इतना मुश्किल है इसलिए अर्ली ट्रीटमेंट मुश्किल हो जाता है नहीं तो फिर क्या करना पड़ेगा जैसे कि कोविड नाइन्टीन पैंडेमिक के टाइम पर सरासा भी फीवर होने से हम जाके आरटीपीसीआर करवाते थे तो अब इक्वेटोरियल गिनी में आउटब्रेक तो हुआ है तो भी ही बात है लोग हाई फीवर होने से जाके टेस्टिंग करवाएंगे तो ऐसे टेस्टिंग करने से डायग्नोसिस हो सकता है वैसे कौन सा टेस्टिंग है पोलीमरेज चेन रिएक्शन द सेम आरटीपीसीआर एंड एन सेम लिंक्ड इम्यूनोसोबन आसे भी डायग्नोस कर सकता है दोस्तों एलिसा टेस्टिंग एलिसा टेस्टिंग के बारे में आपने सुना ही होगा एच एवी एड्स का भी डायग्नोसिस के लिए एलिसा टेस्टिंग यूज करते हैं तो दोस्तों दैट्स इट अभी के हिसाब से मार्बर्ग वायरस डिसीज के लिए कोई वैक्सीन अप्रूव नहीं हुआ है ओनली सपोर्टिव हॉस्पिटल थेरापी इज द ओनली सॉल्यूशन बेसिकली सिम्टम्स जो है उसी के लिए ट्रीटमेंट देना पड़ेगा प्रॉपर पेशेंट केयर देने से फैटालिटी रेट नीचे ला सकता सो आई होप आपको वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा होगा थैंक यू फॉर वॉचिंग बाय बाय है